डोंट यू आंसर मी। देखिए मिसेस खान, आपके सुनने में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं डॉक्टर, आपने अभी अभी तो कहा था, मैंने अच्छी तरह से सुना है। आपने कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, शी इज मूविंग नॉर्मल, यही कहा था ना आपने। इसका मतलब मेरी कोख में लड़की है, है ना डॉक्टर? देखिए, हम ऐसे ही बातें करते हैं, बेबीज को शी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोख में लड़की है। ठीक है डॉक्टर, माना कि आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन प्लीज आपने तो सोनोग्राफी देखी है ना, प्लीज टेल मी कि लड़का है ये लड़की। देखिए डॉक्टर, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मिसेस खान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट नहीं होता, ये गैर कानूनी है। देखिए डॉक्टर, मैं इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इट्स अ मैटर ऑफ माय फ्यूचर, प्लीज मुझे बताइए ना कि मेरी कोख में लड़का है या लड़की। आपको पता होना चाहिए हम ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बच्ची अच्छे से मूव कर रही है, शी इज फाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोख में लड़की है। मेरी जन्नत, मेरा जन्नत मिला। या मेरे खुदा, कितना अच्छा लग रहा है उस जहन्नुम से निकलकर, उस तूफान से निकलकर। कितनी राहत मिल रही है मुझे अपने घर में। अरे अपना घर तो अपना ही होता है ना शिरीन बेटा? हाँ, वहाँ आप आग में झुलस रही थी, यहाँ आकर आप आग लगाएंगी। हाय अल्लाह, अपनी माँ को अब तो पहचानने लगी है। वैसे सच कहूँ शिरीन, मैंने बड़ा मिस किया जीनत और जारा को। हाँ, उन दोनों के बिना आपका खाना भी तो हजम नहीं हो रहा था मम्मा। अरे आ गई तो अम्मी। अम्मी, अरे कैसे नहीं आती अम्मी? बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है क्या? माँ तो माँ ही होती है ना। अम्मी, जैसे ही मैंने वो तूफान को, मेरा मतलब है अपनी सासू माँ को एयरपोर्ट छोड़ा, सीधी यहाँ भाग कर चली आई। आप बताइए, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। जीनत कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गई है चेकअप कराने। तुम कैसी हो? जाओ जाके आराम करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। मुझे आराम और चैन कहाँ? मुझे तो पहले ये पता करना है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या हुआ। चलो बेटा, एक बाजी हो जाए। कैसी बाजी दादी? शतरंज की बाजी। इसमें मुझे हरा कर ये अपनी सारी बात मनवा लेता था। जानती हो, सना से निकाह की बात इसने मुझसे यूं ही मनवाई थी। चलो बाजी तैयार है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। हो सकता अम्मी जान कि मैं जीत भी ना सकूं, शतरंज खेले हुए जमाना बीत गया है। अब आप हर बाजी जीतेंगे अबू। ये हुई ना बात, क्योंकि अब आप अकेले नहीं है, आपका बेटा आपके साथ है। सना जी। अम्मी इधर आओ। ठीक है भाई, तुम्हारे साथ मेरा बेटा खेलेगा तो मेरे साथ मेरी बहू खेलेगी। चलो ये वजीर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब नहीं बचेगा। ये लीजिए सना बेगम, हमने अपना वजीर बचा लिया। अब आप अपनी सल्तनत बचाइए, क्योंकि आपकी सरकार, मेरा मतलब है आपका राजा खतरे में है। खतरे में राजा नहीं, बल्कि तुम हो जहांगीर खान, क्योंकि इस खेल की तरह
तुम्हारा खेल भी अब खत्म होने वाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये रही शय और ये रही मां। हमारे होते हुए अब्बू को ना कोई शय दे सकता है ना मात। मान लीजिए मम्मी जान कि आप बाजी हार चुकी हैं। इस खेल की जीत से खुश मत हो जरा, क्योंकि ये वो खेल था जिसमें तुम अपने प्यारे अब्बू को बखूबी बचा ले गई, लेकिन मौत के खेल से इन्हें कैसे बचाओगी, क्योंकि वो खेल मैंने शुरू किया है और जीत कर खत्म भी मैं ही करूंगी। आपने लाख कोशिश की आपा, लेकिन इस घर को वारिस मैंने ही दिया है। आपने मुझसे सब कुछ छीनना चाहा, लेकिन इस वारिस ने आकर मुझे सब कुछ लौटा दिया। आमिर की मोहब्बत, इस घर का प्यार, सब घर वालों की नजरों में उठा दिया, क्योंकि वारिस ने मेरी कोख से जन्म लिया है। अब आप कुछ भी कर लो आपा, सच तो ये है कि अब आप हार चुकी हैं। हाँ जीना, सच यही, भले ही मेरी जिंदगी में पहले आप आई, मगर सही मायनों में इस घर में मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर सारा ही आई है। सारा तुमसे छोटी है, लेकिन आज अपनी औलाद की वजह से वो तुमसे बड़ी हो गई। सारा की वजह से ये खानदान आज पूरा हुआ है। देखा आपा, आखिर मैं जीत ही गई ना। आप सारी बाजी हार चुकी हैं, आप सब कुछ हार चुकी हैं। जीनत, तुम हार चुकी हो, और वो जारा, जारा जीत गई है तुमसे। बहुत शौक से इस घर में अपनी बहन को लेकर आई थी, लेकिन अब वो बहन बहन नहीं रही, अब वो तुम्हारी सौतन बन चुकी है। तुम हार चुकी हो, हार गई हो तुम। क्या देख रहे हो बेटा? यही अब्बू कि आज ये फैमिली फोटो आपकी तस्वीर के बिना कितनी अधूरी है। अब्बू, मैं इसमें आपकी तस्वीर लगा के इसे पूरी करना चाहता हूँ। जरूर बेटा, लेकिन इसमें एक तस्वीर लगाना मत भूलना, वो कड़ी जिसने इस पूरे घर को जोड़ रखा है, जारा। जी अब्बू, सचमुच जारा ने ही इस घर को जोड़ के रखा है। कुछ तो बात होगी जारा में, जो आप भी इतने कम वक्त में उसके कितना करीब आ गए।
आज जारा की वजह से ही तो यहाँ हूँ। अबू आपने कल का फैसला बिल्कुल ठीक लिया। सारे सबूत जारा के खिलाफ थे मगर फिर भी आपने अपना भरोसा उस पर कायम रखा। बेटा रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर ही तो होती है और मैं तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। हालात चाहे जो भी हो रिश्तों पर यकीन हमेशा बना रहना चाहिए। जी अबू। जीनत बेटा क्या हुआ मेरी बच्ची को? या अल्लाह क्या हाल बना लिया जीनत तुमने अपना? क्या हुआ मेरी बच्ची बोल ना। ये टूटे हुए शीशे के टुकड़े बता रहे हैं कि जरूर किसी ना किसी ने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है आज। बोल मेरी बच्ची। पुपी, पुपी डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी कोख में लड़का नहीं लड़की है पुपी। क्या ये क्या कह रही हो तुम जीनत बेटा? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा ही है पुपी। और अब यही मेरी किस्मत है। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी बेटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जीनत। डॉक्टर की कही बात सच भी तो हो सकती है ना? क्योंकि उन कमबख्तों को दिख जाता है कि लड़का है या लड़की है। या मेरे खुदा ये किस मुश्किल में डाल दिया है तूने हम लोगों को। मत रो बेटा मत रो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पुपी, अगर मैंने इस घर को वारिस नहीं दिया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अरे जीनत बेटा ऐसी बातें नहीं करते मेरी बच्ची, ये तो सब अल्लाह की देन होती है ना? और वैसे भी तुम क्या कर लोगी जीनत? मैं खुद को खत्म कर लूंगी पुपी, मर जाऊंगी मैं। आमिर की गोद में उनकी बच्ची को देखकर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं जारा के पीछे खड़ी रहकर नहीं जी सकती भूपी। क्या करूं भूपी, अगर इस घर को वारिस जारा ने दिया तो सारे घर वाले आमिर सब जारा को ज्यादा प्यार देंगे। मैं मर जाऊंगी भूपी, मैं मर जाऊंगी। तो ये वजह थी आपा की बेपनाह नफरत की। हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी खुशी के लिए इस घर में आए थे आपा, और तो कुछ भी नहीं चाहा था हमने। जिस वारिस को जन्म देने हम इस घर में आए, आज उसी वारिस की चाह ने हम दोनों के बीच इतना बड़ा फासला बना दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम अपने आपा को खो दें। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी आपा, जरूर पूरी होगी।
आज बस एक ही दुआ है, वारिस आपा की कोख से ही जन्म दे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी आपा को खो दूंगी। या अल्लाह, यही गुजारिश है कि वारिस आपा की कोख में डाल दो और मेरी कोख में बच्ची को डाल दो। बिस्किट लीजिए ना। अरे अब कितना खिलाओगी भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बैठिए, फरमाइए, कैसे आना हुआ? भाईजान, मैं बताती हूँ आपको ये यहाँ क्यों आए हैं। ये अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ अपने घर ले जाने आए। मैं समझा नहीं। जी मैं बताता हूँ, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए आपकी बेटियों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। और गुल बेगम माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपने गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। निकाह के बाद ज़ारा और जीनत मेरी नहीं बल्कि इस घर की अमानत है। मैं तो बस रस्म के तौर पर कुछ दिनों के लिए उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जी मैं भी भाईजान से वही बताने जा रही थी। भाईजान, दरअसल रस्म के हिसाब से लड़कियां अपने मैके जाकर पहली डिलीवरी वहीं करती हैं, इसलिए ज़ारा और जीनत आज से वहीं अपने मैके में रहेंगी। जीते रहो बेटा। और फिर भाईजान, जब ज़ारा और जीनत यहाँ वापस लौट कर आएंगी तब इन दोनों में से एक की गोद में इस घर का वारिस होगा। माशाल्लाह भाई, अगर ये रस्म है तो हम क्या कह सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा, इन दोनों के जाने से ये घर सूना सूना लगेगा। आप मिलने जरूर आइएगा अबू। जरूर। बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। वारिस लेकर आना। मामा, ये दोनों तो गए, अब आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करोगी? अब कुछ कहूँगी ना तो तू बुरा मान जाएगी। बेवकूफ लड़की, अब तक जो भी हो रहा था वो तो कुछ भी नहीं था। असली एंटरटेनमेंट तो तब शुरू होगा जब दोनों की डिलीवरी होगी। देखते हैं कौन सी वाली लेकर आती है इस घर का वारिस। सबके लिए संग अपने मुस्कान लाई है।